नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम आप सबों के लिए लेकर आए हैं दिमाग, जिसका इंग्लिश ब्रेन होता है, और ब्रेन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। तो देखिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल एजुकेशन नोट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई वीडियो हम डालें तो आप तक पहुँच जाए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, लगभग यहाँ पे हम लगभग 30 से 35 फैक्ट्स को जानेंगे दिमाग के, मतलब ब्रेन के 30 से 35 फैक्ट्स का अध्ययन इस चैप्टर में हम करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला देखिए नंबर एक पे है। देखिए, नंबर एक पे कह रहा है कि अगर 5 से 10 मिनट तक दिमाग में ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो यह हमेशा के लिए डैमेज हो सकता है। हमारा ब्रेन में अगर 5 से 10 मिनट तक अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो हमारा दिमाग क्या हो जाएगा, दिमाग डैमेज हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए दो नंबर में है, कह रहा है दिमाग पूरे शरीर का केवल 2% है, यह पूरी बॉडी का 20% खून और ऑक्सीजन का अकेला इस्तेमाल कर लेता है। बात समझे? देखिए, दिमाग पूरे शरीर का केवल 2% होता है, दिमाग जो है पूरे शरीर का केवल 2% होता है, लेकिन यह पूरी बॉडी का 20% खून और ऑक्सीजन अकेला इस्तेमाल कर लेता है। तो ये सब रोचक तत्व है ब्रेन के बारे में। देखिए, क्वेश्चन नंबर तीन में देखिए कह रहा है, ये कहता है हमारा दिमाग 40 साल की उम्र तक बढ़ते रहता है। हमारा दिमाग जो है 40 साल तक क्या होता है, बढ़ते रहता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए चार में कह रहा है हमारे दिमाग के 60% हिस्से में चर्बी होती है। हमारे दिमाग के कितने परसेंट, 60% हिस्से में चर्बी होती है, इसलिए शरीर का सबसे अधिक चर्बी वाला अंग क्या, दिमाग है। ये दिमाग है। देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन भी बन सकता है कि कहाँ पे सबसे अधिक चर्बी पाया जाता है, तो ये दिमाग में सबसे अधिक चर्बी पाया जाता है। तो चलिए अगला देखिए, नंबर पाँच में देखिए पाँच में कहता है कि सर्जरी से हमारा आधा दिमाग हटाया जा सकता है। अगर हम अपना दिमाग को सर्जरी कराएं तो यहाँ से आधा दिमाग ब्रेन को हटाया जा सकता है, और इससे हमारी यादों पर कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। मतलब हमारा जो याददाश्त है उस पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर छः में देखिए छः नंबर का पॉइंट्स है। देखिए, कहता है जो बच्चे 5 साल होने से पहले 2 भाषा सीखते हैं, कितने साल में, यानी 5 साल में अगर कोई बच्चा 2 भाषा सीखते हैं तो उनके दिमाग की संरचना थोड़ी सी बदल जाती है, उसके दिमाग की जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो ये अगला क्वेश्चन देखिए सात में कह रहा है दिमाग की 10% उपयोग करने वाली बात भी सच नहीं है, बल्कि दिमाग के सभी हिस्सों का अलग अलग काम होता है। समझे इस पॉइंट्स को? कहता दिमाग की 10% प्रयोग करने वाली बात भी सच नहीं है, बल्कि दिमाग के सभी हिस्सों का अलग अलग वर्क होता है। आगे देखिए आठ में कह रहा है कहता है दिमाग के बारे में सबसे पहला उल्लेख 600 साल, कितना साल का दिमाग, ध्यान दीजिए, 600 साल पहले किसमें मिलता है, सुमेर में मिलता है। 600 साल पहले सुमेर में मिलता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या कर रहा है, नौ में देख लेते एक बार कहता है 90 मिनट तक पसीने में तर रहने से आप हमेशा के लिए मनोरोगी बन सकते हैं। पसीना समझते हैं, अगर आप पसीने में 90 मिनट तक रहते हैं तो आप क्या बन सकते हैं, मनोरोगी, मन का रोग आप में बन सकते हैं। आगे देखिए 10 का देखिए पॉइंट्स बहुत रोचक है। कहता है बचपन के कुछ साल हमें याद नहीं रहते, बचपन का कुछ ऐसा साल है जो हमें याद नहीं रहते, क्योंकि उस समय तक हिप्पोकैम्पस डेवलप नहीं होता है। मतलब बचपन में क्या होता है, ये हिप्पोकैम्पस मतलब याददाश्त को लाने का किया एक लाने का वाला ये है, हिप्पोकैम्पस डेवलपमेंट नहीं होता है। यह किसी चीज़ को याद रखने के लिए जरूरी, अगर आप
जिसका हिप्पोकैम्पस मजबूत है ठीक ना, वो अधिक याद करने में सक्षम होता है। जिसका हिप्पोकैम्पस मजबूत नहीं है उसको जल्दी याद नहीं होता है। आगे देखिए 11 में देखिए क्या कह रहा है, 11 में कह रहा है कि 11 में कह रहा है छोटे बच्चे इसलिए ज़्यादा सोते हैं क्योंकि उसका दिमाग उसके शरीर द्वारा बनाया गया 50% ग्लूकोज इस्तेमाल करता है। मतलब छोटे बच्चे का देखिए शरीर में 50% क्या पाया जाता है, ग्लूकोज पाया जाता है, इसलिए वो सबसे अधिक सोता है। समझ गए, छोटा बच्चा जो है उसके शरीर में सब उसके दिमाग में 50% क्या ग्लूकोज पाया जाता है, इसलिए वो सबसे अधिक सोता है। आगे देखिए 12 में देखिए 12 नंबर फैक्ट क्या कह रहा है, कहता है 2 साल की उम्र में किसी को भी ज़्यादा किसी 2 साल की उम्र में किसी भी उम्र से ज़्यादा ब्रेन सेल नहीं होती है। मतलब 2 साल की उम्र में किसी भी उम्र से ज़्यादा ब्रेन सेल कोशिका कहते हैं ब्रेन सेल नहीं होती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कहता है अगर आपने पिछली रात शराब पी थी और अब आपको कुछ याद नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ये सब भूल गए हो, बल्कि ज़्यादा शराब पीने के बाद आदमी को कुछ नया स्वाद ही नहीं होता है। समझ गए, मतलब अगर आप मान चलिए कल शराब ड्रिंकिंग किए हैं और आप वो भूल गए हैं और आप वो क्या किए हैं और एक मिनट आप ड्रिंकिंग किए हैं और वो आप भूल गए, इसका मतलब ये नहीं कि आप भूल गए हैं, ज़्यादा शराब पीने की वजह से कुछ याद नहीं होता है। समझ गए, आगे देखिए कितना नंबर होगा 14 नंबर में देखिए इसमें कहते हैं क्या कहता है, एक दिन में हमारे दिमाग में 70,000 विचार आते हैं। मतलब एक दिन में कितना विचार आते हैं, एक दिन में जो है 70,000 विचार आते हैं और इनमें से 70% विचार निगेटिव और उल्टे होते हैं। मतलब एक दिन में कितना थॉट्स आते हैं हमारे दिमाग में 70,000 और इसमें से 70% विचार क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, 70% विचार निगेटिव होते हैं। आगे देखिए आगे 15 नंबर में देखिए कहता है हमारे आधे जीन्स दिमाग की बनावट के बारे में बताते हैं कि बाकी बच्चे आधी जीन्स पूरे शरीर के बारे में बताते हैं। मतलब जीन्स समझते हैं ना, हाँ चलिए वही कहता हमारे आधे दिमाग की बनावट हमारे बारे में बताते हैं कि बाकी बच्चे आधे जीन्स पूरे शरीर के बारे में बताते हैं। जीन्स वही होता है जो अपने माता का लक्षण जो पुत्र में जाता है। समझ गए, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16 नंबर में क्या कह रहा, देखिए कहता अगर आप अपने स्मार्टफोन पर लंबे समय तक काम करते हैं, अगर आप अपने स्मार्टफोन को लंबे समय तक उपयोग करते हैं तो आपको दिमाग में ट्यूमर हो सकता है, ट्यूमर होने के खतरा बढ़ जाते हैं, इसको ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। तो अगर आप अधिक समय तक सेलफोन यूज करते हैं तो आपके ब्रेन में ट्यूमर होने का खतरा बढ़ जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए 17 में भी क्या कह रहा है, 17 में कहता है अगर शरीर के आकार को ध्यान में रखा जाए तो मनुष्य का दिमाग सभी प्राणियों से बड़ा है। हाथी के दिमाग का आकार उसके शरीर के मुकाबले सिर्फ 0.15% होता है जबकि मनुष्य का 2% होता है। मनुष्य का कितना परसेंट, 2% होता है। आगे देखिए 18 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, कहता है एक जिंदा दिमाग बहुत नर्म होता है, इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। मतलब दिमाग को जो है चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। आगे देखिए 19 नंबर में क्या कर देखिए, जब हमें कोई इग्नोर या रिजेक्ट करता है तो हमारे दिमाग को बिल्कुल वैसे ही महसूस होता है जैसा चोट लगने पर होता है। समझ गए, जब आपकी बातों को कोई इग्नोर करता है तो आपके दिमाग में वैसा ही महसूस फीलिंग होता है जैसा चोट लगने पर होता है। समझ गए,
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 20 में देखिए क्या करा है। देखिए राइट ब्रेन या लेफ्ट ब्रेन, मतलब राइट ब्रेन या लेफ्ट ब्रेन जैसा कुछ नहीं है, ये राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक मीथ है, एक मीथ है। पूरा दिमाग इकट्ठा काम करता है, पूरा दिमाग क्या करता है, इकट्ठा काम करता है। ये राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन ये सब कुछ नहीं है, समझ गए। पूरा दिमाग जो है एक ही तरह से काम करता है। आगे देखिए 21 नंबर का फैक्ट देख लेते हैं। देखिए 21 में देखिए क्या कह रहा है, चॉकलेट की खुशबू दिमाग में ऐसी तरंगें उत्पन्न करती है, ये चॉकलेट की खुशबू है दिमाग में ऐसी तरंगें उत्पन्न करती है जिसमें मनुष्य आराम या रिलैक्स महसूस करता है। मतलब चॉकलेट का जो खुशबू होता है सेंट, वो दिमाग में ऐसी तरंग उत्पन्न करती है जिनसे मनुष्य आराम और रिलैक्स महसूस करता है, समझ गए। आगे देखिए कितना होगा 22 का, चलिए 22 का देख लेते हैं। देखिए 22 में कहता है, जिस घर में ज़्यादा लड़ाई होती है, जिस घर में ज़्यादा लड़ाई होती है उस घर के बच्चे के दिमाग बिल्कुल वैसा ही असर पड़ता है जैसा युद्ध के सैनिकों पर, समझ गए। मतलब देखिए मान के लिए आपके घर में लड़ाई होती है तो घर में जो बच्चा होता है उसके बच्चे के दिमाग पर वैसा असर होता है जैसा युद्ध में, मतलब सैनिक जो लड़ाई करता है, तो मान के चलिए सैनिक लड़ रहा है उसके सामने कोई आतंकवादी आ जाता है तो उस सैनिक के दिमाग पर जैसा असर पड़ेगा वैसा ही असर उसके घर के बच्चे पर पड़ता है। तो इसलिए घर में कभी लड़ाई नहीं करनी चाहिए, तो उसका असर सीधे उसके चाइल्ड ने बच्चे पर पड़ते हैं। आगे देखिए 23 नंबर में देखिए कहता है, टीवी देखने की प्रक्रिया में दिमाग बहुत कम इस्तेमाल होता है, टीवी देखने की प्रक्रिया में दिमाग बहुत कम इस्तेमाल होता है और इसलिए इससे बच्चों का दिमाग जल्दी विकसित नहीं होता। टीवी देखने से बच्चों का दिमाग इसलिए इससे बच्चों का दिमाग जल्दी विकसित नहीं होता। बच्चे का दिमाग कहानियाँ पढ़ने और सुनने से ज़्यादा विकसित होता है क्योंकि किताब को पढ़ने से बच्चे ज़्यादा कल्पना करते हैं, किताब को पढ़ने से बच्चे क्या ज़्यादा कल्पना करते हैं। आगे देखिए कितना होगा 22 नंबर का फैक्ट चुका। हाँ देखिए 22 में देखिए क्या कह रहा है, हर बार जब हम कुछ नया सीखते हैं तो दिमाग में एक नई झुर्रियाँ विकसित होती हैं। क्या विकसित, दिमाग में एक नई झुर्रियाँ विकसित होती है और यह झुर्रियाँ ही आईक्यू का सही पैमाना है, मतलब आईक्यू का सही पैमाना है। आगे देखिए कितना हुआ क्वेश्चन नंबर 25। देखिए 25 में क्या फैक्ट कर रहा है, अगर आप खुद को मना कर ले, मतलब खुद को मना ले कि हमने अच्छी नींद ली है, मतलब आपने अगर खुद को मना लीजिएगा कि हमने अच्छी नींद ली है तो हमारा मस्तिष्क भी इस बात को मान लेता है कि हाँ हम सही नींद लिए हैं। मतलब आप देखिए, आप जो खुद मानिएगा वो मस्तिष्क मानेगा ही, मतलब आप अगर मान लें कि हमने अच्छा नींद ले ली है तो मस्तिष्क भी इस बात को मान जाता है कि हाँ सही में हम नींद ले लिए हैं। आगे देखिए 26 में, यहाँ लगभग 30 फैक्ट्स हैं, 30 से 32 फैक्ट्स हैं। आगे देखिए 26 में देखिए क्या करा है, कतार हमारे पलक झपकने का समय, हमारे पलक झपकने का समय 1 सेकेंड के 16वें हिस्से से कम होता है। मतलब हम जो पलक झपकते हैं वो 1 सेकेंड के 16वें हिस्से से कम होता है, पर दिमाग किसी भी वस्तु का चित्र सेकेंड के 16वें हिस्से तक बनाए रखता है। दिमाग किसी भी वस्तु का चित्र सेकेंड के 16वें हिस्से तक बनाए रखता है। आगे देखिए 27 में देखिए क्या कर रहा है, 27 में कह रहा है, हेलमेट पहनने के बाद भी दिमाग को चोट लगने की 80% संभावना होती है, हेलमेट पहनने के बाद भी दिमाग को चोट लगने की 80% संभावना होती है, समझ गए। आगे देखिए 28 में देखिए कह रहा है, कहता मनुष्य के दिमाग में दर्द की कोई भी नस नहीं होती है, मतलब मनुष्य के दिमाग में दर्द के कोई भी नस नहीं होती है इसलिए कोई दर्द नहीं महसूस करता, दर्द को महसूस नहीं करता, मनुष्य के दिमाग में दर्द की कोई नस नहीं होती है। आगे देखिए कितना 29 का होगा ना, देखिए 29 में कहता है,
देखिए 29 में कहता है, एक ही बात को काफ़ी देर तक टेंशन लेकर सोचने से हमारा दिमाग कुछ समय के लिए सोचने समझने और निर्णय लेने की क्षमता को खो देता है। मान लीजिए कोई एक ही बात है, आप उसके बारे में ज़्यादा देर तक सोचते हैं, उस पर टेंशन लेते हैं, समझ गए, तो हमारा दिमाग कुछ समय के लिए समझने के लिए और निर्णय लेने के लिए निर्णय लेने की क्षमता खो देता है। अगर आप ज़्यादा टेंशन होते हैं तो क्या निर्णय ले क्या निर्णय नहीं ले, तो इसको इसकी क्षमता को खो देता है। आगे देखिए 30 नंबर फैक्ट क्या कहता है, नशे में आदमी की बनावट वैसी हो जाती है जैसे समय सेक्स करते समय। मतलब आदमी नशे में, अगर आदमी जब नशे में होता है आदमी की दिमाग की बनावट वैसी हो जाती है जैसे सेक्स करते समय हो जाता है, समझ गए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 31, देखिए 31 में कहता है, दिमाग कैसे तेज किया जाए। दिमाग तेज करने के लिए सिर में मेहंदी लगाएं, कहाँ पे, सिर में मेहंदी लगाएं और दही खाएं। दिमाग तेज करने के लिए सिर में मेहंदी लगाएं और दही खाएं, क्योंकि दही में अमीनो एसिड होता है, जिससे टेंशन दूर होती है और दिमाग की क्षमता बढ़ती है, समझ गए। दिमाग तेज करने के लिए सिर में मेहंदी लगाएं और दही खाएं, क्योंकि दही में क्या होती है, अमीनो एसिड होती है, जिससे टेंशन दूर होता है और दिमाग की क्षमता बढ़ती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 नंबर फैक्ट्स देखिए, 32 नंबर देखिए क्या कह रहा है, देखिए 32 में कह रहा है, एक मिनट देखिए, अगर दिमाग से एमिजडाला नाम का हिस्सा निकाल दिया जाए तो इंसान का किसी भी चीज़ से हमेशा के लिए डर खत्म हो जाएगा। देखिए ये जो है एमिजडाला, ये अगर ये दिमाग, इसी कारण आदमी को डर होता है, ये अगर आदमी के दिमाग से क्या करे निकाल दिया जाए, एमिजडाला निकाल दिया जाए, तो इंसान का हमेशा के लिए डर खत्म हो जाएगा। अगला देखिए 33 में, कह रहा है, ब्रेन या दिमाग और माइंड, इसको मन, समझ गए, ब्रेन या दिमाग और माइंड या मन दो अलग अलग चीज़ें हैं। ब्रेन और माइंड दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, क्योंकि वैज्ञानिक आज तक पता नहीं लगा पाए कि मन शरीर के किस हिस्से में है। मतलब वैज्ञानिक ये पता नहीं लगा पाया कि मन यानी माइंड शरीर के किस हिस्से में है, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। चलिए आगे देखिए, 34 में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि हमारे दिमाग में एक मिड ब्रेन डोपामाइन सिस्टम यानी MDS होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मिड ब्रेन डोपामाइन सिस्टम MDS होता है, जो घटने वाली घटनाओं के बारे में मस्तिष्क को संकेत भेजता है। मतलब हमारे दिमाग में एक MDS पाया जाता है, तो MDS क्या हुआ, मिड ब्रेन डोपामाइन सिस्टम, जो घटने वाली घटनाओं के बारे में मस्तिष्क को संकेत भेजता है। हो सकता है कि हम इसे ही अंत ज्ञान अथवा भविष्य के पूर्वानुमान कहते हैं। जिस व्यक्ति के दिमाग में यह सिस्टम जितना ज़्यादा विकसित होता है, वह उतनी सटीक भविष्यवाणी कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो यहीं तक। देखिए, इस प्रकार का हम आप लोगों को समझे बहुत सारे तथ्य लेकर आएंगे। तो अभी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। चलिए आज यहीं तक, थैंक यू सो मच।